rape and sexual violence against women has been used as a war weapon in Kashmir. आपको लगता है कि कश्मीर में इंसाफ मिलना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमारी जो आज की महबूबा मुफ्ती साहिबा है, जो आज चीफ मिनिस्टर है, मतलब वो मैगजीन लेकर घूम रही थी, आसिया के फ़ोटो या नीलोफर के फ़ोटो घूम रही थी हर जगह कि देखिए ये क्या ड्राउनिंग है, ये ड्राउनिंग है, ये खून के डब्बे आप देखिए, ये कटा हुआ आप ये देखिए, सर देखिए, ये क्या ड्राउनिंग है। और उसके बाद उसने कहा कि आप मतलब आप मुझे मतलब वोट डालिए, लोगों को बोला, हमको नहीं बोला, तो बोला उनको बोला कि मुझे वोट डाल के देखे। और पहली मतलब जो मेरा पहला इशू होगा वो आसिया और नीलोफर के कातिलों का होगा कि उनको मैं मतलब कैफेरी किरदार तक पहुंचाऊंगी। इनकी हुकूमतों पे हम पे भरोसा नहीं, इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पे, क्योंकि पुलिस भी वही है, पुलिस वही है, सीबीआई वही है, एसआईटी वही है, और कातिल भी वही होते हैं, वही इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, वही रेपिस्ट हैं, वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम उनसे उनसे क्या तवक्कु रखेंगे कि वो आसिया और नीलोफर और बाकी केसों में हमको मतलब इंसाफ देंगे। आसिया नीलोफर यन पे शहीद गई तन पोड़ पहन पे पढ़ाई पे असर अक स्कूल कॉलेज मतलब सब पे सोरे त्रावन क्या घर मे कहीं बच्चे सन परवरिश कर। तो श्रीनगर कोर्ट आप गए? जी जी, श्रीनगर हाई कोर्ट। 9 सालों में कितनी बार गए होंगे आप? लगभग उसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब मेरी गाड़ी का तेल ही दो मतलब जितनी भी हेयरिंग हो रही थी लगभग 2-3 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए का कम से कम गया, पूरी फैमिली जाती थी 2-3 गाड़ियां लेकर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच वॉज फाइल्ड बाई द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ विच द पुलिस ऑफिसर्स वर अरेस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैज बीन क्लोज्ड डाउन, बट देयर इज अ प्रोटेस्ट पिटिशन विच इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर। We have reached to a point where the people of J&K generally feel that justice is no longer possible from the Indian institution. 96% of the claims against the armed forces, they are just brushed off as frivolous and maligning the image of the Indian army. And whatever minuscule fraction of the cases reach to an investigative level, they are mostly tried in the military courts, and which are totally opaque. Sexual violence against women, we have cases, for example, the Kunan Poshpara case, for example, the Asia Nilofar case. The Kunan Poshpara case has been in the courts since last 27 years, but nothing has come out till now. No armed personnel has been tried in a civilian court. So we recently have the example of Shopian civilian killings, wherein the Indian Army is claiming that even an FIR cannot be lodged against an army personnel. I mean, that's a new law. Armed forces have done huge atrocities here in Kashmir. I mean, we have a huge number of cases wherein they are involved, and we have reached a point now wherein people have lost all faith in these institutions.